दोस्तों आज फिर एक शर्मनाक घटना ये सामने आई है लखनऊ से हसनगंज इलाका है वहां से एक घटना ये आई है कि कुछ कश्मीरी जो है वहां पे ड्राई फ्रूट बेच रहे थे और उनको जो है भगवा कलर का जो ये कपड़ा पहने हो जिन आप जो देख रहे हो इनको ये लोग आए और उनको सीधा मारना चालू कर दिए कि यहाँ पर तुम ये धंधा नहीं कर सकते हो, यहाँ पे ये कारोबार नहीं कर सकते हो। ये चीज जो है कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, आज इस तरीके से लोगों के दिलों में एक जातिवादी का जो है तो कि तुम कश्मीर के हो हम यहाँ के हैं, तो इस तरीके से जो लोगों के दिलों में जो एक डर बैठाया जा रहा है ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। दूसरी चीज से सवाल ये उठती है कि हमारी कानून व्यवस्था जो यूपी की है वो कितनी कड़ी है और कितनी मतलब एक पुलिस वहां की कार्रवाई कर रही है, किस तरीके से एक लोगों के ऊपर आज जिस तरीके से सरेआम लोग कानून हाथ में ले रहे हैं तो वहां की सत्ता या वहां की सरकार या वहां की पुलिस क्या कर रही है, इसके ऊपर क्या कदम उठा रही है, ये आप जनता को फैसला करना है कि जब कश्मीर के लिए हम खुद लड़ रहे हैं कि ये हमारा है तो वहां के लोग हमारे कैसे पराये हो गए जो इनको इस तरीके से एक फुटपाथ के ऊपर या उनको एक बाजार के अंदर भरी बाजार में उनको मारा जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें कुछ युवक एक अन्य युवक के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। इस प्रकरण में थाना हसनगंज लखनऊ पर मुकदमा अपराध संख्या 80/19 अंतर्गत धारा 147, 323, 504 भारतीय दंड संहिता रजिस्टर किया गया है। आरोपी युवकों की शिनाख्त कर उनकी तलाश की जा रही है तथा इसमें अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये बंदे का जो बताया जा रहा है इसका अफजल शेख नाम है, तो ये एक बहुत बड़ी है मतलब एक धार्मिक जो मतलब हिंदू मुस्लिम का ये बहुत बहुत घिनौनी राजनीति खेली जा रही है। ऐसा नहीं खेलना चाहिए और ऐसा होना भी नहीं चाहिए क्योंकि एक सरकार जब सत्ता में बैठी होती है तो उसकी जिम्मेदारी हर एक जातिवादी की होती है, हर एक गरीब और अमीर की सबकी होती है। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए नमस्कार।